भाई अरे वहां देखो पुलिस। अरे अरे तो आने दे, तू अपना काम कर, चल ए, चलो अपना अपना काम करो, चलो जा रहे अपना काम कर। बदमाश कमीने, पेट्रोल लूट कर केरोसिन मिलाते हो, ये सरकार को पता चलेगा तो सजा मिलेगी तुम लोगों को, एक साल के लिए जेल जाओगे तो अकल ठिकाने आएगी। ए, पकड़ लो सबको। शेखी उर्फ शेखर, यहाँ के आसपास के एरिया में पेट्रोल का धंधा करता हूँ। मुझे देखकर लोग खुशी खुशी सल्यूट करते हैं। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर मेरे से मिले हुए हैं। तू कौन है रे? क्या तू अपने आप को शाना समझता है? निकल यहाँ से, मुझे अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करूंगा, जरूर करूंगा। तुम जैसे क्रिमिनल्स का जानवरों की तरह शिकार करके जेल में डालने वाला मैं हूँ जयराज, फूड एंड सिविल स्क्वाड ऑफिसर। तो स्क्वाड है तो मैं पक्का फ्रॉड हूँ। एक मौका देता हूँ, हाथ मिला ले, नहीं मिलाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे न जाने कितने ऑफिसर्स की मैंने खोपड़ियां उड़ा दी हैं। उड़ा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। ए, चुप कर। तुम मुझ जैसे कईयों से मिला होगा लेकिन मुझसे नहीं मिला। चुपचाप आवाज बंद कर और फायदे की बात कर। कितना चाहिए तुझे बोल दे, मिल जाएगा तुझे। ए, गली में घूमने वाला आवारा कुत्ता नहीं हूँ मैं, समझा? सरकार से पगार लेकर सरकार के लिए काम करने वाला शेर हूँ मैं। चुपचाप जीप में बैठेगा तो बेल होगी और नहीं तो जेल होगी। चल बैठ गाड़ी में। इस शेखर को जेल में डालने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यही घर है। ए, जाके पीछे देखो। ए, चलो रे, ढूंढते हैं। आओ। आ गया। इधर नहीं, उसे यहाँ भी नहीं, इस तरफ होगी। तो नहीं, यहाँ कहीं होगा। देखो उसे। वहाँ जाएगा। देखो उसे। इधर देख। हाँ, ठीक है। इस तरफ अच्छे से भाई, वो दिख नहीं रही है भाई। भाई वो कहीं भी मिले उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। माँ बाप और बद्री से बहुत प्यार करती हूँ और वो तीनों ही मेरी दुनिया है। ए, ये पैसे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। इस किलर से मेरा क्या होगा, ऐसे 100 ऑटो तो मेरे पूरे शहर में चलते हैं। मैं तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए तुम जैसी हसीनाओं को पिकअप एंड ड्रॉप करता हूँ। 100 नंबर याद है ना? क्यों, तुम्हारा बैंक अकाउंट है? डायल करे तो कौन आता है जानते हो ना? जाओ जाओ, ये बात मेरे पिताजी ने मुझे समझाई थी लेकिन मैं ही नहीं समझा। सुनो दीदी, इस बॉल से तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगी। ओ,
पैरों को लग गया। अरे बाप रे, मर गए। क्या हुआ भैया? ऊपर से नीचे तक हाई वोल्टेज का करंट लगने के बाद जैसा होता है ऐसा महसूस हो रहा है, और तू पूछ रहा है क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप ने बच्चे पैदा किए हैं या शैतान पैदा किए हैं? किसने बॉल मारा रे? से लग गई अंकल। I'm really sorry. अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं सुबह शाम गुलाब जामुन में थम्सअप मिला के खाने वाला आदमी हूँ, देखो मेरी बॉडी। तो फिर ये करंट वाइब्रेट कहाँ हो रहा है? वो तो पास में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया था, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अच्छा ये बताओ तुमने कितने रन बनाए? अगर आपने इस बॉल को ना रोका होता तो ये 6 था, टोटल स्कोर 50 हो जाता। अरे रे रे, सॉरी मैडम। ठीक है जाकर स्कोर पूरा करो। ओके जाओ, चलो चलो। चलो चलो। अरे बाप रे, एक तो मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ऊपर से इसने मेरा मीटर ही डैमेज कर दिया। बाप रे, शुक्रिया बद्री बेटा। ओके चाचा बाय। एक तो तुम्हें अस्थमा है और ऊपर से मिर्ची से एलर्जी भी। ये काम तुम्हें किसी और से करवाना चाहिए। देखिए, कोई और मिर्ची का पाउडर बनाए आपको पसंद नहीं, घर में मिर्ची पाउडर बनाती हो तो मुझे एलर्जी है, अब मैं क्या करूं? कहां गई तुम्हारी बेटी? हाँ, जब देखो तब इधर उधर घूमती रहती है। देखिए, अगर उसे मिर्ची कूटने के लिए कहूंगी तो वो खराब कर देगी, इसलिए मैं बनाती हूँ, वो कूट नहीं सकती। देखो, तुमने ही प्यार दे करके उसे सर पे चढ़ा रखा है। पता नहीं ये लड़की किन किन बच्चों के साथ क्रिकेट वॉलीबॉल खेल करके आसपास के लोगों को परेशान कर रही होगी। अब देखो शाम तक किसका सर फोड़ कर आती है आज। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी, आज मैंने दो लोगों के सर फोड़े हैं, एक का बैट से और एक का बॉल से, दोनों आउट। अरे रे 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 रे, किसका सर फोड़ कर आई हो आज? सही नहीं पिताजी, एक को टॉप से और एक को बॉटम से। चुप, बेवकूफ हो क्या तुम? बड़ी हो गई हो, रोज किसी न किसी की पिटाई करती रहती हो। देखो बेटा, अगर कभी किसी ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए तो क्या करोगी? अरे वाह, ऐसे कोई मेरे हाथ पर कैसे तोड़ सकता है? मैं क्या आपको चुप रहने वाली सीधी साधी लड़की लगती हूँ? दुर्गा का अवतार हूँ, छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा कर। अरे वाह काली मैया हो तुम तो, शत्रुओं का संहार करोगी। याद रखना, एक बार अगर मैंने तुम्हारी धुलाई कर दी तो रास्ते पे आ जाओगी। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती पिताजी, इसीलिए चुप हूँ। ए प्रीति, तू कैसी बातें कर रही है? ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, ये काम इसे दो यही करेगी। चलो करो इसको, देख क्या रही हो, करो। ये क्या, आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकती? लाओ माँ मुझे दो। अरे करती हूँ बेटी, हटो हटो। अरे क्या माँ, बस करो बेटी, खाना तैयार है, जाके खा ले। ओ मेरी प्यारी माँ। खाओ खाओ, खूब अच्छे से खाओ। अगर इस लड़की ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी तो भगवान जाने कौन लड़का इससे शादी करेगा। ए जी आप चुप भी रहिए, वो मोटी वोटी कुछ नहीं होगी, और रही शादी की बात, जब शादी होनी है तब हो जाएगी। तमस्मिन कार्य निर्योगे हनुमान यत्नमास्ताय करो। अरे ये शिल्पा बद्री के रूम में क्यों जा रही है? बद्री ये लीजिए। अरे अरे बॉडी क्यों ढक रहे हो? तुम्हारे मसल बहुत अच्छे हैं और बॉडी बहुत स्ट्रांग है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट से मस्त मस्त सेवैयां बना के लाई हूँ, अगर तुमने ये पी लिया तो आज रात में वो। शिल्पा जी, इसे ना सेवैयों से बड़ी एलर्जी है, और बद्री ना ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसे तो हमेशा से ही गरम गरम पोहे पसंद है। देखो मैं लेकर आई हूँ, और तुम्हारी सेवइयों के लिए ना बाहर एक आदमी खड़ा इंतजार कर रहा है, जाओ और जाकर उसे दे दो। जाओ, अरे जाओ।
जाना। बढ़िया ही। क्या हुआ बद्री? क्या है? तुम्हें क्या मस्त मस्त सेवैया पसंद है? बोलो। अरे मेरे सवाल का जवाब तो क्या किया? पसंद है तुम्हें? बताओ मुझे। बचाओ मुझे। चीला, मैंने मिचीला, चीला की जवानी, चीला की जवानी। मुझे सेवई दे दो, सेवई दे दो। मुझे ना मस्त मस्त सेवई और ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे सेवई दे दो। चल हट, अपनी पत्नी से बनवा कर पी। अंडा कड़ी तो बना नहीं सकती, मस्त मस्त सेवई कैसे बनाएगी? बात करती हो। मुझे सेवई दे दो, सेवई दे दो। हाथ मत पकड़ना, नॉनसेंस। अच्छा, तुम उसका हाथ पकड़ो तो सेंस और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू तो नॉनसेंस। हाँ, मैं कौन हूँ जानती हो? मेरी बॉडी सलमान खान की तरह, बुलेट की तरह बॉडी और ले लैंड गाड़ी। एक्सलेटर दबाया 120 के स्पीड से, समझ गई? मुझे सेवई दे दो, सेवई दे दो। हाँ। पता नहीं कहाँ से आ गई मंदोदरी। क्या हुआ कस्तूरी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी, लेकिन वो सुंदर लड़की कौन? अरे अरे, वो तो शीला है। वो ना ड्राई फ्रूट और इलायची डालकर मस्त मस्त मेरे लिए सेवई बनाकर लाई थी। बोल रही थी पी लो। मैंने कहा ए, मेरी बीवी इससे बहुत अच्छी सेवई बनाती है, मैं घर जाकर पी लूंगा। ऐसी बात है। हाँ। तो चलिए ना अंदर। क्यों डार्लिंग? आपको कुछ अच्छी चीज देना चाहती हूँ। क्या देना है? वो क्या है ना जी, आपको बिना खिलाए पिलाए मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा, इसलिए तो कह रही हूँ अंदर चलिए और खा लीजिए। अरे मलाड के मॉडल टाउन स्टॉप वाले का बहुत सारा ऑर्डर है, मैं उसे देकर आता हूँ। तुम घर जाओ, मैं शाम को आकर पी लूंगा, ठीक है? नहीं जी, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। कस्तूरी चलिए ना, कोई देख तो नहीं रहा है ना? कस्तूरी मैंने कहा मैं शाम को आकर पी लूंगा, अभी मुझे जाने दो, मुझे अभी काम है। कस्तूरी मेरी बात सुनो, सुनो कस्तूरी। सेवई का टेस्ट बहुत अच्छा था और मेरी बीवी ने बहुत अच्छे से खिलाया। आपको देख के तो नहीं लग रहा कि आपने सेवैया पी हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने आपको अच्छी तरह तड़का लगाया है। और बहुत अच्छे से तड़का लगाया। और ये जो आंखों पे धब्बे हैं? अरे बाप रे, अगर रुका तो फिर वापस आ जाएगी। बता, जल्दी बता, बताएगा कि नहीं? चल बता। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये जानना है तो इससे पूछ। ए, बता। सर वो, शट अप। सॉरी सर, सवाल तुमसे नहीं इससे किया है, जवाब भी यही देगा। बता कौन है तू? TMPA MIS IPS कौन है तू? ये सब नहीं, इन सब का बॉस अन्ना, देव अन्ना, देवराज। क्यों, उसके बारे में सुना है ना? उसके बारे में सुनता अगर वो सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी होता। पहले ये बता तू कौन है? ईमानदारी से खाकी वर्दी पहनी है तुम्हारे जैसे गटर की गंदगी को अरेस्ट करने के लिए। मारुति से लेकर मर्सिडीज तक तुमने सारे कार चोरी किए हैं। चोरी की गाड़ी को बदल कर तुमने किसी और को बेची है। इस बात का गवाह मिल गया तो सबसे पहले मैं तुझे अरेस्ट करूंगा, वादा करता हूँ। ए इंस्पेक्टर, ये खाकी वर्दी में तोड़ रहा है। इस खाकी वर्दी को पहनने के बाद दलालों की तरह पैसे लूटने वाले बेईमान इंसान हो तुम लोग। तुम लोगों को हफ्ता चाहिए, हर महीने की आखिरी तारीख को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए हड्डी चाटने चले आते हो। बिकाओगे तुम लोग। ए, तूने मुझ पर हाथ उठाया? मैं बहुत डेंजरस पुलिस वाला हूँ, कोई आम पुलिस वाला नहीं हूँ। इस तरह के घटिया काम करने के लिए मैंने ये खाकी वर्दी नहीं पहन रखी है। चंद पैसों के लालच में अपने कानून की बेइज्जत करूं, वैसा आदमी नहीं हूं मैं। तुम्हारे जैसे बहुत सारे क्रिमिनल देखे हैं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर कर दूंगा। अब जाता हूं, जाता हूं मैं। भाई को तेरी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। एक ना एक दिन तू हमारे जाल में फंसेगा, उस दिन इस थप्पड़ का हिसाब देना पड़ेगा अन्ना के सामने। अन्ना? कौन है ये अन्ना? इस देश में सिर्फ एक ही अन्ना है, वो है अन्ना हजारे। तुम्हारे मुंह से अन्ना शब्द दोबारा नहीं निकलना चाहिए। मोबाइल पर इंटरनेट का धंधा करते हो और जब हम पैसे मांगते हैं तो तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है ये कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल भाई, पैसा कभी पुलिस वाले ले जाते हैं, कभी पॉलिटिशियंस ले जाते हैं, धंधा एकदम चौपट बर्बाद हो गया है। अगले हफ्ते गारंटी के साथ इस हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा। बोल बोल के हमको बेवकूफ बनाता है। जय, इसका बिजनेस क्या क्या है बता जरा। इसकी घड़ियों की दुकान है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के धंधे से ये हार्ड कैश कमाता है। हमने हफ्ता मांगा तो बहाना बनाता रहता है। क्या बोल रहा है रे टकलू, ये तो बहुत पैसे कमाता है लेकिन हमें हफ्ता नहीं देता, ऊपर से बहाने बनाएगा।
अगर बहाना बनाना है तो शहर से बाहर निकल जा। अगले हफ्ते सारे पैसे दे दूंगा भाई पक्का। ओए सुन ले, तूने हर महीने अगर हमें पैसे नहीं दिए तो तेरी जितनी अय्याशी है तेरे साथ खत्म कर दूंगा, समझा? भाई चल चैन दे जल्दी, दे मार खाएगा नहीं तो। मोबाइल भी दे। भाई इसको मोबाइल देने को बोलो, उसमें सारे कस्टमर्स के नंबर हैं। ए जय, ए दे दे मोबाइल इसे। दे दूं? दे दे। चल अब जा, जाओ ना यहाँ से। भाई अपने एरिया की पुलिस तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है भाई, चेन स्नैचर्स, पिक पॉकेटर्स, इन सब की हालत उसने खराब करके रखी है भाई। कौन है वो? भाई सुब्रमण्यम पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर एसपी सिटी त्यागराज है, अपना धर्म उधर इसके आदमी को बचाने गया था। हाँ भाई, अपना आदमी कार चोरी में पकड़ा गया था, उसे छुड़ाने के वास्ते मैं स्टेशन गया, उस पुलिस वाले को मैंने आपका नाम बताया भाई, तो वो कहने लगा कौन अन्ना, कैसा अन्ना, मुझे अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगा, बोलता है इस देश में एक ही अन्ना है, अन्ना हजारे। छोड़ दे मेरे ऊपर, वर्दी की ताकत दिखा रहा है तो मैं बिना वर्दी के ताकत दिखाऊंगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ उस पुलिस वाले ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। ए, अन्ना तो चला गया, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई। ए, पागल, मेरा दिमाग में चाट, निकल यहाँ से। अपनी शक्ल तो देख पहले, चल मेरे साथ बात करता है। सर मेरी पत्नी अस्पताल में है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, और कितनी देर लगेगी? अरे रुको भाई, मैं तहसीलदार हूँ और ये सब रजिस्ट्रार हैं, हम ऑफिस में काम करने वाले हैं और हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और तू बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। नमस्ते सर। सर ऑफिस जाने में देर हो रही है, काम जरा जल्दी हो जाए तो। चुपचाप खड़ा रहे, तू ऑफिस जाकर दो हाथ मार कर रिश्वत लेकर शहर में जमीन खरीदेगा, तेरे पास पहले से ही 2-3 बंगले हैं, और तू यहाँ मेरे पास खाली हाथ आया है, बिना नाम के भी तेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये बात बाहर बता दी तो तू बर्बाद हो जाएगा। सॉरी सर। इसकी जमीन है ना? हाँ सर। मेजरमेंट क्या है? 100x100 भाई, 100x100। ये इसकी है, फुल कंट्रोवर्सी, इसीलिए से यहाँ पर आया हूँ। कहाँ पर है? पास की कॉलोनी में। कितना बोला है? 2 की कीमत है, 1 में डील की है भाई। हे, लिटिगेटेड लैंड की डीलिंग भी तू ठीक से नहीं कर पाता है। सुन, 1 की नहीं, आधे में बात कर। बहुत उधार है साहब। हे, लिटिगेटेड लैंड है वो, अगर मैंने उस पर कब्जा कर लिया ना तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा मत करिए सर, मैं सड़क पे आ जाऊंगा साहब, मेरी 2 बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पे आ जाऊंगा साहब। ये तो और भी अच्छा है, सड़क पर रहेगा तो और भी बढ़िया रहेगा, नो रेंट नो टैक्स, भीख मांगेगा तो बहुत पैसे भी कमाएगा। सुन, तुझे जितने पैसे मिल रहे हैं ना वो ले और चुपचाप यहाँ से निकल ले। ए, चल जल्दी दस्तखत कर, जमीन रजिस्टर कर दो। ठीक है भाई। हाँ ठीक है। ए, सब रजिस्टर इधर आना, पैर दे। ए, यहाँ पर अंगूठा लगाना। तू हमारी जगह लेकर तू बंगले पे बंगला बना रहा है, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, मैं श्राप देता हूँ तुझे। तू ए धर्मा, ये सर्कल इंस्पेक्टर किस पुलिस स्टेशन में? सुब्रमण्यमपुरम में। सुन रेडी, ऑफिसर को पब्लिक के सामने रोड पर दौड़ा रहे हो, इतनी हिम्मत कहां से आई? मेरे से अगर किसी ने डील की तो फिर पुलिस ऑफिसर हो या प्राइम मिनिस्टर, सूर्य राजा रेड्डी के लिए सब बराबर होते हैं। सूर्य राजा रेड्डी? तेरे को समझाने का काम मेरे को सौंपा है, मतलब तू बहुत डेंजर है। तू इस शहर का रहने वाला भी नहीं है, फिर मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध है, संबंध है। 2 साल पहले तूने मेरे को अंदर किया था, किसी कीमत पे नहीं मारा, मैंने ये शहर छोड़ दिया। देव और राज मेरे अच्छे दोस्त हैं, और तू उनके खिलाफ जा करके उन्हें अरेस्ट करना चाहता है, तेरी इतनी हिम्मत। पर वो तो क्रिमिनल है। तो मैं क्या फ्रीडम फाइटर हूँ? मैं भी तो क्रिमिनल ही हूँ। सुन, इस देश में 2G स्कैम से लेकर जमीन हड़पने वाले, पैसे देकर चुनाव में खड़े होना और पैसे लेकर वोट देना, ये सारे के सारे चोर हैं। बस वो राजनीतिक बातें करते हैं और मैं कत्ल की बातें करता हूँ। देखो
तुम्हारे खून में अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी होना अच्छी बात होती है। मैं कोशिश करता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। देवराज के पास मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो तुझे सुपारी दी है ना? तू देवराज के बारे में क्या जान रहा है? तेरे जैसे लोगों को खरीद कर उसने अपना साम्राज्य बनाया, उसकी एक चुटकी में तुम्हारे जैसे लोग गायब हो जाते हैं बेटा। अरे वो तो समझदार है, इसीलिए उसने ये काम मेरे को सौंपा। क्यों तुझे पता? अगर उसने किसी एक पुलिस वाले से दुश्मनी की तो सारे के सारे उसके दुश्मन हो जाएंगे, और पुलिस तो दुश्मनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए तुझे एक मौका और देता हूँ, उसके आदमियों को छोड़ दो और देवराज से बात करके अपना मंथली बजट फिक्स कर लो। hey! मैंने खाकी वर्दी पहनी कानून की इज्जत बचाने के लिए, ना कि तुम जैसे क्रिमिनल्स का साथ देने के लिए। hey! तू यहाँ की पुलिस के बारे में कितना जानता है? लोकल गुंडों से लेकर बड़े बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट तक कई क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया हमने, और उस लिस्ट में तेरा नाम आ चुका है। लेकिन तुझे एक चांस देता, 5 तक गिनती गिन रहा हूँ, दूर चला जा मेरी नजरों से। यार 5 तक गिनती भी नहीं गिन पाया। हेलो, कमिश्नर से बात कर रहा हूँ। यस सर, कोई वीआईपी आपसे बात करना चाहता है, लाइन दूसरा दो। नमस्कार सर, मैं सूर्या राजा रेड्डी बोल रहा हूँ। बोलो। कुछ नहीं, वो क्या सुल्तानपुर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर नागराज को जानते हैं ना? मैंने उसे रोड पे ही टपका दिया है। बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गोली ने उसके बॉडी को किस हिस्से को डैमेज किया है, ये जरा बता देना। इडियट। हेलो सर, अभी मेरे फोन पर एक कॉल आया था, इमीडिएटली उसे ट्रेस करके बताओ कि कहां से फोन किया गया था। ऐसे पीटी उषा की तरह भागती हुई कहां जा रही हो? ये रोड है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? Help me, please, अरे help me. ए, इसे छोड़। छोड़ने के लिए मैंने थोड़ी ना इसे पकड़ा है, उल्टा इसने मुझे पकड़ के रखा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये क्या दिन दहाड़े बीच सड़क पर तुम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हो? ये तुम्हारे ससुर की बेटी है क्या? नहीं, तेरे ससुर की बेटी है क्या? मेरे ससुर की बेटी तो नहीं है, लेकिन आपकी बहन जरूर है। जोक समझा है क्या? नो जोक। होशियारी करता है, ऑटो और आधी रोटी पे गुजारा करने वाले, तू मेरा मजाक उड़ाता है। मैं कौन हूँ पता है? देवराज, देवराज भाई का चेला हूँ। रतन सिंह। अच्छा तो वो तू है। देख भाई, तू जो भी हो मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ऑटो चलाता हूँ मीटर के हिसाब से, और घर जाकर शांति से इज्जत की रोटी तोड़ता हूँ। लेकिन तुम जैसे गुंडों की तरह आवारागर्दी करने वाला लोफर नहीं है। इसे लोफर कहा? चल हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा तो क्या करेगा? शांत रहना मेरी फितरत में नहीं है, मेरा काम है। तुम जैसों का खात्मा करना। Thank you.
सो मच, आपकी वजह से मेरी इज्जत बच गई, वरना ये गुंडे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देते। तुम्हें फ्रंट से देखो या बैक से देखो, कहीं से भी देखो तो भी गुंडों का छेड़ने का मन तो करेगा ही। अरे वो तो गुंडे हैं, तुम्हें देखकर तो राम की तरह रहने वाला भी रावण बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो कपड़े पहनती हो ये इज्जत छुपाने के लिए पहनती हो या फिर इज्जत उछालने के लिए पहनती हो? औरतें जब अपना पूरा बदन छिपाने के लिए साड़ी पहनती है ना, तो किसी मर्द में हिम्मत नहीं है कि वो उसे कुछ कहे। लेकिन खुद को देखो, ये ऐसे शोरूम की तरह तैयार होकर टच मी, लुक मी, किस मी, ये सब क्या है? बोलो ना, आखिर तुम लड़कियां चाहती क्या हो? वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे इसलिए मैंने ये सवाल किया तुमसे। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमेशा साड़ी पहनकर रहा करो, ड्रेस पहनो, पूरा ड्रेस पहनो, रहो ना स्टाइल में, लेकिन जरा डिसेंट बन के रहो। ये लीजिए, थैंक यू सो मच भैया, आप मेरे साथ चल के घर पे चाय पी के जाइए। एक ऑटो वाले को तुमने भाई कहा है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। समय मिले तो फिर कभी जरूर आऊंगा, चलता हूँ। बाय। एक्शन, आगे जाओ, अरे आगे जाओ, अरे आगे जाओ, चैन खींचो, चैन खींचो, अरे कट 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 कट, तुम्हें तो चैन खींचना भी नहीं आता, बेवकूफ की तरह वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अरे इसके साथ मैं कैसे शूटिंग करूंगा, हे भगवान। शांत हो जाइए सर, आप अपना सिर मत पीटिए, आप कितना भी सिर पीटेंगे वो अच्छा पोज नहीं दे पाएगी सर। मुझे देखिए सर, मैं कितना अच्छा पोज देता हूँ। तुम खेल समझते हो क्या, एक्टिंग कर सकते हो क्या? सर मैं कमाल का एक्टर हूँ, मेरे फेस पर मत जाइए, ये थोड़ा डिफरेंट भले ही है, लेकिन मैं विलन का रोल करूंगा तो अमरीश पुरी, और हीरो करूंगा तो मिथुन चक्रवर्ती, रोमांटिक हीरो, और एक्शन अजय देवगन की तरह करता हूँ, लेकिन इनमें से किसी को फॉलो नहीं करता सर, मैं अपनी असली एक्टिंग करता हूँ, एक्ट करके दिखाऊं सर, एक्ट। वह सब कुछ नहीं चाहिए, चेन खींच सकते हो क्या तुम? मेकअप मैन, इसका मेकअप करो। ये हो गया, अब जाकर मेकअप करो। हाँ ठीक है सर, अभी जाता हूँ। चलो एक्टिंग करने। अरे लड़की के पीछे क्या पड़ा है? हेलो डायरेक्टर साहब, एक अच्छे आर्टिस्ट को लाके एक्टिंग करवानी चाहिए आपको, समझे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है अभी जो गया वो बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा। एक्टिंग करेगा? आप रेडी हो ना? हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई जल्दी आओ। हेलो जान, अरे बस करो बस करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कैसा है मेकअप? अरे बिल्कुल मस्त, एकदम टकाटक। सर ये कैसे मिलेगा? ये क्या? ये पेमेंट, अभी मेकअप किया और अभी पेमेंट चाहिए। क्या बताऊं, मेकअप करवा दिया ना, ये फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा। पसंद हो तो काम करो, वरना निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो पेपर में तो आएगा ना सर? पेपर में
अरे पेपर ही नहीं, पूरे शहर के लोग देखेंगे, थिएटर में, टीवी में और बड़े बड़े पोस्टर में भी देखेंगे तुझे लोग। रातों रात सुपर स्टार बन जाओगे तुम। हाँ अरे अपना देखने लगे क्या? अरे देर हो रही है भाई, एक्टिंग करो जाके, चलो जाओ। ठीक है मैडम, रंगोली बनाओ। अरे अरे तुम लोग क्यों खड़े हो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, हटो वहां से, चलो चलो। कैमरा रेडी है ना? कैमरा एक्शन, ट्रॉली 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 चलाओ, चलो। कहाँ जाना चाचा? चंदन नगर जाना है भाई। ऑटो ऑटो, क्यों ऑटो चलाते हैं ये लोग सड़क पर? छे रुको भाई, कहाँ जाना है चाचा जी? चंदन नगर जाना है, आइए बैठिए ना। तुम पहले ऑटो वाले हो जो तैयार हुए। मैं ऑटो के लिए 15 मिनट से खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं। क्या बताएं चाचा जी, सब लोग यहाँ पर बस कमाने के लिए आए हैं, और क्या है ना, सबको जल्दी घर जाना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर वापस आने के लिए पैसेंजर नहीं मिलते हैं। और तो और डीजल और गैस के रेट इतने बढ़ गए हैं कि गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है ना चाचा जी। ऊपर से रोड पर ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक हवलदार इतने परेशान करते हैं, सुबह से शाम तक ट्रैफिक रहती है, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, ऊपर से पुलिस भी टॉर्चर बहुत करती है। समय समय की बात है बस। मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करके परेशान हो गया, और तुम कम से कम 10 घंटे गाड़ी चलाते हो, कितना परेशान होते हो। चलो कोई तो है जो हमारी परेशानी समझ रहा है। तुमने तो कितने सारे कवियों की फोटो लगा रखी है, तुम भी कोई कवि हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, इन फोटोज को देखकर आप मुझे कोई कवि मत समझिए चाचा जी, मैं कोई कवि नहीं हूँ। एक्चुअली मैं इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। क्या है ना, बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे, तो इज्जत की रोटी खाने के लिए मैंने कम उम्र में ही ये ऑटो चलाना शुरू कर दिया। इस देश की जो भाषा है ना, वो अपनी माँ के बराबर है। ठीक कहा बेटा। सिर्फ यही नहीं सर, मैं फिल्में देखना पसंद करता हूँ, बुक्स भी पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, अपने देश की भाषा पर मैं गर्व करता हूँ, और अपने महात्मा लोगों के बारे में भी जानकारी रखता हूँ। जैसों से मिलकर बहुत खुशी होती है, तुम्हारे जैसों की वजह से राज्य का विकास होता है, राज्य का नाम विश्व भर में होता है, बहुत खुशी हो रही है। अरे इतनी बड़ी बात मत कीजिए चाचा जी, मेरी गिनती बड़े लोगों से मत कीजिए, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। चाचा जी वो मेरे ओनर की बेटी लिफ्ट के लिए खड़ी है, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं उसे बैठा लूं। बैठा लो। नहीं क्या है ना, आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बैठो। कितनी देर कर दी, कॉलेज से निकले हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। जल्दी ही तो आ रहा था, लेकिन ये बेचारे चाचा जी ऑटो का इंतजार कर रहे थे, कोई ऑटो जाने के लिए तैयार नहीं था, इन्हें भी इसी रास्ते जाना था, ये सोचकर मैंने इन्हें बिठा लिया। चलो अब चिल्लाओ मत, चुपचाप अंदर जाओ। अरे सर आप तो बहुत बड़े कवि हैं ना। नमस्ते सर। ए तुम सच में जानती हो ये कौन है? ये बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि धरती के सर पर हमेशा अंबर रहता है, ये कविता इन्होंने ही लिखी है, एक नहीं ऐसी कई कविताएं हैं। चाचा जी आप कौन है ये जाने बगैर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। कर दूं, ऐसी कोई गलती तुमने नहीं की, तुम तो देशभक्त हो, अपनी भाषा के भक्त हो, तुम जैसे समझदार लोगों से मिलकर वाकई खुशी होती है। धन्यवाद चाचा जी, आप सच में बहुत नेक दिल हैं। अच्छा चाचा जी अब मैं ऑटो चलाऊं? ठीक है ठीक है। कितने हुए भाई? अरे चाचा जी मैं आपसे थोड़ी पैसे लूंगा, आप मेरे ऑटो में बैठ कर, यही मेरा भाग्य है। गरीबों से पैसे मत लो, लेकिन पैसों वालों से पैसे लेना मत भूलो। ये लो। नहीं चाचा जी, नहीं नहीं। बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, तुम देशभक्त हो, भाषा भक्त हो, तुम जैसे लोगों की बहुत कमी है। थैंक यू, चलता हूँ। चाचा जी नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। सुनो इतने बड़े कवि मेरी ऑटो में बैठे थे ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रीति। तो चलो इसी बात पर मुझे फिल्म दिखाने ले चलो। सॉरी मैं किसी लड़की के साथ फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो पसंद करने की आदत डालो ना। ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज प्लीज ले चलो ना। देखो तुम ऐसी बातें मुझसे मत किया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें पकड़ कर बातें करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकतें की ना तो उठाकर ऑटो से नीचे फेंक दूंगा, समझी? ओहो मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, उठाओ ना मुझे अपनी गोद में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे कंधों पर मैं अपना सर रख दूंगी, बोलो ना तुम भी यही चाहते? एक दूसरे की आंखों में हम घंटों देखते रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। मुझे किस करो? अरे चुप रहो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मान मर्यादा का कुछ ख्याल है? मुझे हर बात का ख्याल है, लेकिन तुम मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ इसीलिए तो ऐसी बातें करती। अब ज्यादा इमोशनल मत बनो, तुम्हारा घर आ गया, चलो नीचे उतरो। अरे तुम इंसान नहीं जानवर हो। कमाल की लड़की है। ये लो। ये क्या है? किराया।
मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। क्यों नहीं लोगे? मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या पत्नी हूँ? चुपचाप ले लो। जिस दिन मुझसे शादी करोगे और मुझे ऑटो में बिठाओगे ना, तब पैसे नहीं दूंगी, तब तुम्हें फ्री में घूमूंगी। तब तक नो डिस्काउंट, फुल पेमेंट लेना होगा। ए, रुको। क्या हुआ पिताजी? क्या चक्कर है उससे? किसके साथ चक्कर? मैंने सुना तुम उससे प्यार भरी बातें कर रही थी, मुझे भी नजर आती हैं चीजें। आजकल तुम उस बद्री से बहुत मेल जोल बढ़ा रही हो। ओह, आप उसकी बात कर रहे हैं? वो तो एक नंबर का डरपोक है। मैं लड़की होकर खुद उसके पास जाती हूँ और वो मुझसे मीलों दूर भागता है। अरे बेवकूफ लड़की, अपने पिताजी से कोई बेटी ऐसे बात करती है क्या? मैं अपने पिताजी से बात ना करूं तो किससे करूं? मैं दूसरी लड़कियों की तरह छुप छुप के प्यार करना, लड़कों के साथ बाहर घूमने जाना, भागकर शादी करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लड़की क्या कर रही है ये सारी बातें माँ बाप को पता होनी चाहिए, यही मेरी पॉलिसी है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप हाँ कहेंगे तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या फायदा? उसे तो अभी भी मंजूर, उसे मंजूर होगा लेकिन मुझे नहीं। क्यों? क्या आप खुद को ओनर और उसे अपना ड्राइवर समझते हैं? बिल्कुल, मेरे भी कुछ सपने हैं। डॉक्टर या इंजीनियर से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर और इंजीनियर इतनी आसानी से मिल जाएंगे क्या? लाखों रुपए दहेज में देने पड़ेंगे। इतने पैसे हैं क्या आपके पास? फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद घर के किराए से ही जिंदगी चल रही है, ये तो याद है ना? याद है बेटी, चाहे कितना भी खर्च हो जाए मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशी देखना चाहता हूँ। पिताजी, आप ये घर बेचकर मेरी शादी करवाएंगे और मैं खुश रहूंगी, इस बात की क्या गारंटी है बताइए तो? इससे अच्छा तो जान पहचान वाले बद्री से ही शादी करवा दे। ये सही तो कह रही है, शादी के बाद बेटी खुश रहनी चाहिए, फिर चाहे लड़का डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर या चाहे ऑटो ड्राइवर। तो क्या मैं इसकी शादी एक ऑटो ड्राइवर से करा दूं? क्या आप यही रह गया है मेरे लिए? और वैसे भी ऑटो वालों की कमाई ही क्या है? बाप होने के नाते मैं नहीं चाहता कि इसको किसी प्रकार का दुख हो। तो आपको क्या लगता है, ऑटो ड्राइवर अपने बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते? अरे वाह, माँ और बेटी ने मिलकर इस घर के दामाद का फैसला भी कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शादी करवा के आप मुझे कहीं भेजेंगे, इससे अच्छा होगा कि मैं यहीं रहूं बद्री के साथ। पिताजी, बद्री बहुत अच्छा लड़का है, वो अनाथ है, वो आप लोगों का भी ख्याल रखेगा, मुझे पूरा यकीन है। इसने सही कहा अंकल, बद्री बहुत अच्छा लड़का है, इस जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचिए मत अंकल। सुनिए, सुख हो या दुख, रहेगी तो हमारी आंखों के सामने ना। मेरी बात मान लीजिए, इसकी खुशी के लिए हाँ कह दीजिए। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो मुझे भी स्वीकार है, मैंने आज तक कभी इसका दिल नहीं दुखाया है। तो फिर आप मेरी शादी बद्री से ही करवाएंगे ना? ठीक है बेटी, मुझे भी। यस, थैंक यू। ओ बद्री। ए पागल लड़की, बैचलर्स रूम में लड़कियों का आना मना है, तुम्हें जरा से भी मैनर्स नहीं है क्या? अरे आज मैं इतनी खुश हूँ कि मान मर्यादा मैनर्स सब कुछ भूल चुकी हूँ। अरे ऐसी बातें मत करो वरना तुम्हारे पापा मेरी मर्डर कर देंगे। अरे मर्डर नहीं, हमारी शादी करवाएंगे। शादी किससे? मेरा शुभ विवाह तुमसे। ये तुम क्या बोलने जा रही हो? मेरे पिताजी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। ऐसा क्या? तो ठीक है। तू यहाँ बैठकर आराम से पेपर पढ़ रहा है? क्यों बे? तू जानता है ना, इस पूरे इलाके की जमीन हम लोगों की है, हम यहाँ पर अपार्टमेंट बनवाना चाहते हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तेरे और तेरे परिवार की भलाई इसी में है कि तू ये जगह खाली कर दे, समझ गया ना? अपनी जिंदगी भर की कमाई से मैंने ये घर बनाया है, इसी से मेरी जिंदगी चल रही है, मैं इसे खाली नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मेरे पति को मत मारो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो। माँ बात सुनो, उन्हें मत मारो। जैसे कीड़े मकोड़ों की जगह ये घर नहीं बल्कि फुटपाथ है। तुम लोगों पर रहम खाकर मैं कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ, जल्द से जल्द मुझे ये घर खाली चाहिए। अगर ये घर खाली नहीं हुआ तो याद रखना, इसी जमीन पे तुझे और तेरे पूरे परिवार को गाड़ दूंगा मैं। मुझे यहाँ पर अपार्टमेंट बनवाना है, ध्यान से सुन ली, देव भाई का ऑर्डर है, मतलब मेरा, समझ गया ना? मेरा ऑर्डर है। ये सब क्या है? ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? अरे बद्री, रोज के रोज गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई में हम कैसे अपना दिन गुजारेंगे? क्या बताऊं भाई साहब, सब वक्त के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। एक मिनट रुकना सर। हाँ ठीक है ठीक।
हेलो बद्री। अरे मैंने अभी अभी तुम्हें याद किया था, सोच रहा था किसी थिएटर में तुम्हारे साथ एक अच्छी सी फिल्म देखने जाऊंगा, उतने में ही तुम्हारा फोन भी आ गया। चलो अच्छा हुआ, शाम को सज सवर कर तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ए प्रीति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति प्रीति क्या बात है, बोलो ना। बद्री अंकल, कुछ गुंडे आकर तोड़फोड़ कर गए और बोला है कि दो दिन में घर खाली कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी बात याद रखना, तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अरे जान से मार देने के लिए यह शहर उसके बाप की जगह है क्या? नहीं बेटा, उन गुंडों से दुश्मनी करके हम भला कैसे जी पाएंगे। कौन गुंडे और काहे के गुंडे, बस आप उसका नाम बता दीजिए। कोई दास धर्मा है, बोल रहे थे देवराज के गुंडे हैं। देवराज? ए, तोले तू जो चुपचाप अंदर घुसा चला रहा है, किससे मिलना चाहता है? देवराज से मिलना है मुझे। अरे हीरो, देवराज जी को नाम लेकर पुकार रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, दू क्या कान के नीचे? अरे ओ मामू, तुम यहाँ पर गैस भरवाते हो क्या? अरे ये तो पक्के फ्रॉड लोग हैं, गैस से ज्यादा तो एयर भरते हैं। ए! किसको फ्रॉड बोल रहा है बे? हम लोग 100% पक्का गैस भरते हैं। तू तो अपनी जुबान बंद ही रख, ऑयल में मिलावट करता है, पेट्रोल में केरोसिन मिलाता है और गैस में एयर मिक्स करता है। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है, इधर एक बार जो भरता है ना दोबारा कभी नहीं आता, ये लोग भी दोबारा नहीं आएंगे। ए, क्या है तू यहाँ लफड़ा करना चाहता है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, मैंने तो बस सच बोला है। क्या सच बोला है? यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होता, किसी ने झूठ बोला होगा तुझसे। अरे तुम चुप रहो भाई, मेरे साथ ही कितनी बार हो चुका है, मुझसे ज्यादा और कौन जानता है, और कितने फ्रॉड धंधे तुम लोग करते हो इसके बारे में भी मुझे अच्छे से जानकारी है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर और चैनल में सीरियल की तरह रिपीट टेलीकास्ट दिखाते हैं। ये बेचारा मोटू कुछ जानता नहीं है ना। क्यों बद्री, ये हिस्ट्री है इस पेट्रोल पंप की। मेरे इलाके में आके मेरे खिलाफ ही बोलता है, तेरी तो हाथ हटा भाई। नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लेगा तू? हाँ तुझे नहीं पता कि कौन हूँ। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, और तू यहाँ खुद चला आया। चल बता तू यहाँ क्यों आया है? ये फैक्ट्री देवराज की है ना? है तो मैं मिलना चाहता हूँ उससे। क्या बात है? घर के बारे में। किस घर के बारे में? मेरे अंकल के घर के बारे में। वहाँ पर अपार्टमेंट बनानी है, इसलिए घर खाली कराने के लिए वहाँ पर देवराज का चेला कोई धर्मराज नाम से आया था, और उसने मेरे अंकल पर हाथ भी उठाया। अगर उस वक्त मैं वहां होता तो उसका खाने का और धोने का दोनों हाथ उखाड़ देता। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। भाई तुम यहाँ क्यों टकलो? फ्लैशबैक याद आ गया क्या? पिछली बार लड़की की छेड़खानी करने पर गली के कुत्ते की तरह धोया था, और आज आज बारी है तेरे दोस्त धर्मा की, इसने मेरे अंकल पर हाथ उठाया। कैसे मार? बोल। अबे चूहे तू मुझे मारेगा? अबे दो टके के ऑटो ड्राइवर, मैं देव हूं, देव भाई, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम जैसे खोखले लोगों में अगर इतना घमंड है तो मुझ जैसे दिन रात मेहनत करने वाले की रगों में कितना घमंड होगा। मैं तुम लोगों की तरह गरीबों को लूट पाट कर और उनका खून बहाकर पैसे नहीं कमाता हूँ, इज्जत इज्जत की रोटी कमाता हूँ। थूए तुम लोगों पर। ए, रुक जाओ, क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पर, और कौन है ये? वर्मा की जगह खाली करवाने गए थे भाई, और इसने इस 2% के ऑटो ड्राइवर को भेजा है बचाव के लिए। अच्छा तो ये बात है, नेता बनने के सारे लक्षण है तुझमें, क्यों रे पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, बहुत तरक्की करेगा। वैसे गंदे काम करने की मुझे आदत नहीं है, अगर गलती हुई तो न्याय के लिए लड़ूंगा और प्यार के लिए तो जान भी दे दूंगा, ये अपनी बचपन से आदत है। अब यहाँ किसी ने तो गलती की है तो मैं समझाने के लिए आ गया। आज के बाद उस घर के आसपास कोई भी नहीं जाएगा। घर के आसपास नहीं जाएंगे तो अपार्टमेंट कैसे बनाएंगे बताओ? तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए शहर में बहुत सारी जगह पड़ी है। उसने पैसे लेकर तुझे भेजे हैं क्या? जानते हो वो घर किस तरह से बनाया गया है?
दिन रात की मेहनत की कमाई से वो घर बनाया गया है, लेकिन उसके बारे में तुम क्या जानोगे? वो घर उनकी जिंदगी है, उनका हक है, उनकी जायदाद है, उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? पैसे और जायदाद के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। बच्चे, मेरे बारे में तू अभी कुछ नहीं जानता है, बच्चा समझ कर छोड़ रहा हूँ तुझे। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो। नहीं तो क्या, क्या कर लेगा तू? तू अपने आप को बहुत बड़ा तोप या 30 मार खां समझता है क्या? दोबारा उस घर की तरफ अगर तूने नजर उठाने की कोशिश भी की ना, देख क्या रहे हो, पकड़ो और मारो इसको। शांत रहना मेरी फितरत में नहीं है, मेरा काम है तुम जैसो का खात्मा करना। गया बेचारा। मेरी मौत ही तुम लोगों के नाश की शुरुआत है। तुम्हें मारने के लिए जरूर कोई ना कोई तो आएगा। मारने कोई आए, वो दिन कभी नहीं आएगा। hey, मैं खून पीने वाले खानदान से हूँ। तुझ जैसों का खून पीने के लिए मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ। मेरी मौत कभी नहीं होगी, मौत मुझसे दूर रहती है। उसकी आंखें खुली हुई है, वो मुझे देख रहा है। जाकर उसकी आंखें बंद कर दे। जा, भाई सांस नहीं चल रही है। भाई ठीक से देख, मर तो गया है। भाई ये तो मर गया। इसे ले जाकर के सड़क पर फेंक दे। क्या बेटी, बेटी क्या सर? मैं सवाल कर रही हूँ तो आप कुछ बताते क्यों नहीं? क्या बताऊँ मैं,
बेंगलोर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास 1 लाख पुलिस वाले भी नहीं है। पूरे शहर में लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, डॉन आतंकवादी, राजनीतिक माफिया, इतना ही नहीं हर एरिया में बार है, क्लब है, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ भरा पड़ा है। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा बताओ? पुलिस वाले ही सारी बातें बताएंगे। हमारे पास क्या चमत्कारी शक्ति है? हम लोग भी इंसान हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना। जाइए प्लीज, जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए यहाँ से, जाइए, हमें परेशान मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। देखा जाए ये सब तो पुलिस की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ऑपरेशन, इलेक्शन, डी नोटिफिकेशन, रिसॉर्ट, ये सभी भ्रष्टाचारों में डूबी हुई है। इसमें पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? कुल मिला के जान की कीमत नहीं है और जिंदगी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। बेचारी हमारी जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। फैसला आपके हाथ में है। कैमरामैन शिव प्रसाद, साथ ही अमृता राव। सुनो, बॉडी की रिपोर्ट अच्छी तरह से लिख लेना। ओके सर। इमीडिएटली बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हाँ सर। चलिए हटिए, बाजू हटिए, हटिए प्लीज। क्या भीड़ लगा रखी है आप लोगों ने? चलेगा बेटी, तुम ना तो रोती हो ना तो सोती हो, ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम रो तो सही, भड़ास निकल जाएगी। बेटी मेरी बात सुन रही हो ना? कुछ तो अपनी माँ को जवाब दो बेटी। प्रीति, प्रीति मेरी बात सुन। ये उसे बहुत प्यार करती थी, अपने ही आंखों के सामने उसके प्यार का खून हो जाए तो किसी की भी यही हालत होगी। अब ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना आंटी। ऐसे हालात हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बद्री से इसकी शादी कराने के लिए मैंने भी हाँ कर दी थी, लेकिन भगवान को क्या मंजूर है ये भला, कौन जानता है। अंकल, इस हालात का जिम्मेदार वो देवराज और उसके गैंग वाले हैं। जब तक मैं उनकी कंप्लेन करके उन्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, तब तक बद्री भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, नहीं, पुलिस और नेता सब उसके हाथों की कठपुतली है। वो देवराज निहायत ही खतरनाक है बेटा। उसे पता चलेगा कि तुमने कम्प्लेन किया है तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा बेटा। देखिए चाचा जी सही कह रहे हैं, उन गुंडों से दुश्मनी करके हम लोग इस तरह जी नहीं सकते। उसे देखे तो कैसे पत्थर जैसे हो गई हमारी बेटी। बेटी, बद्री की याद में और कितने दिनों तक ऐसे उदास रहोगी? ना कुछ खाती हो ना सोती हो, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो हमारा क्या होगा बेटा? जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी ना। भूलने की कोशिश करो बेटा। बेटी चलो उठकर खाना खा लो, मेरी बात मान लो बेटी। के लिए ये क्या है? तुम्हें दिखता नहीं है, गिफ्ट है। मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए लाऊंगा? 18 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है,
प्रीति अभी तक मैंने तुम्हें एक हेयर पिन भी नहीं दिया था, तो स्पेशली तुम्हें कुछ देने का मन किया, इसलिए मैं ये लाया हूँ। क्या लेके आया हो? जरा देखूं तो, लाओ दो। वाओ, साड़ी सुपर। इसे जब तुम पहनोगी तो सच में और सुपर लगेगी। योगे प्रमाणम हरिसत्तमा हनुमान यत्नमास्थाय दुःख क्षय करो भव। बेटी हो ना? हाँ। hey, तू यहाँ कैसे आ गई? मुन्ना, शिवा, पप्पू, बबलू, सब इधर आओ। उनमें से यहाँ कोई भी नहीं आएगा। क्या बोली? अब मारे गए। ए, ये कौन है? कौन है तू? ओबी, ओ भवानी। कौन भवानी? क्या यार, तुझे पता नहीं है? ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते। देख कैसी माल लग रही है। चलो मिलके मजा लेते हैं। क्या रे, ऐसे देख रही है? Thank you.
नहीं तो तूने मेरे सारे आदमी को मार दिया। जब मैंने यहाँ एंट्री की तो खाना खा रहा था, बस इसीलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ये मेरी आदत है, अगर दुश्मन खाना खा रहा हो तो उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे खाना खाने देना चाहिए। ये मेरा स्टाइल है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। अब बता मेरे बद्री को किसने मारा? बद्री? कौन बद्री? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? बद्री को किसने मारा तुम नहीं जानते? बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है, अन्ना भाई, शिवा और उसके आदमियों ने। एए! तुम ही। मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा। मेरी नजरों से नजर मिलाकर कहो, बोलो, बताओ, जवाब दो। मैंने उसे मारा। क्यों मारा मेरे बद्री को? उसने ऐसा क्या किया था? तुमने मेरे बद्री का खून किया है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम जिंदा नहीं रह सकते। उसने धर्मा की हत्या की, क्यों उसे मारा, उससे उसकी क्या दुश्मनी थी, जवाब दो। सर सर छोड़ दीजिए सर, हमारी हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। देवराज का राइट हैंड धर्मा भाई है, अगर उसको मारेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे सर, हमको कुछ नहीं पता है सर। दो टके के लुखे तो नहीं करता। मारिए मत सर। पता किसने खून किया? हमें नहीं मालूम सर, ये खतरनाक धंधा हमने कब का छोड़ दिया, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता सर, हमें छोड़ दीजिए। हम कसम खा के कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता। हम अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम है सर, हमें छोड़ दीजिए, हमें जिंदगी जीने का मौका दीजिए सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर, हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। हेलो सर, इंक्वायरी चल रही है सर, अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। हाँ ओके सर, ठीक है सर, अभी आता हूँ। तू है तुम सब पर, तुम्हारी आंखों के सामने आकर कोई सीना तान कर खून करके चला जाता है, तुम लोग बैगन काट रहे थे क्या? क्यों रे, आज अन्ना की ताकत इतनी कमजोर हो गई है क्या? आखिर तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, तुम सबको पालने का क्या फायदा, और तुम सब कहां मर गए थे उस समय? सॉरी भाई, मैंने यहाँ के गुंडों से सब पूछताछ कर ली है, कौन इन्वॉल्व है ये बात समझ में नहीं आ रही है। तू है तेरे पे, तेरा बदन तो खाकी वर्दी से ढका है, तेरे पास तो बंदूक भी है, तेरे अंदर बहुत सारे ऑफिसर काम करते हैं, इतने दिन गुजर गए तुम लोग मिलके एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहे हो, हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग, हाँ? तुम मुझ पे डाउट मत करो शेखर, मैं इनका सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ, और डिपार्टमेंट को थोड़ा तो विश्वास दिलाना ही पड़ता है ना, और आखिर मैं DCP हूँ ना। ए, बंद करो अपना ये भाषण, और ये DCP की बातें हमें मत सुना, तुम पर हमें पूरा विश्वास था, तभी तो धर्मा के हाथों तुम्हें पैसे भिजवाता रहा। ओ कमीना, हमारा दुश्मन बनकर आया था। ए, वो हमारा दुश्मन बन गया है ये तुम्हें कैसे पता? अरे अन्ना, एक हफ्ते पहले उस धर्मा से उसका प्रॉब्लम हो गया था, तभी तो उसने उसे वार्निंग दी थी। अन्ना तुम्हें जो करना है कर लेना, ऐसा बोल के वो धमकी दे रहा था, इसीलिए उसने धर्मा को मारा होगा, मुझे डाउट हो रहा है।
एकदम पक्का गारंटी सर, एकदम पक्का। चल भाई ने बुलाया। हाँ, कौन हो तुम? ए, 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 चल ए, भाई क्या कर रहे हो? चलो चलो इसको। भाई भाई छोड़ दो भाई, भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई। भाई देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। देखो इन्हें देखो भाई, भाई समझ भाई, मैं कुरान की कसम खाता हूँ भाई कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है, खुदा की कसम कहता हूँ भाई। और जो उस दिन तूने कहा था कि तू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसका क्या? एक कार की डीलिंग के मामले में उसका और मेरा छोटा मोटा झगड़ा हो गया था भाई, ये बात बिल्कुल सच है भाई। उसने मुझे मेरे लोगों के सामने मारा, इससे मेरी इमेज खराब होगी, इसलिए मैंने ऐसे बोला था भाई। भाई हम कुरान पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसी कुरान की कसम खा कर कहता हूँ भाई, मैंने उसे नहीं मारा, मेरा भरोसा कीजिए भाई। अल्लाह कसम, मुझे चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और नाने तुझे माफ कर दिया, इसे तू बच गया, चल भाग। तुम सुन लो एसीपी, मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, अगर तुमने हमारे धर्मा के कातिल को जिंदा या फिर मुर्दा हमारे सामने लाकर खड़ा नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ यहाँ से, निकलो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस शहर में? जिस धर्मा का कत्ल हुआ जब मैं कैलाश नगर में डीसीपी था, उस वक्त वो एक छोटा सा बाइक चोर था। मैंने खुद कई बार उसे लॉकअप में डाला, लेकिन तुम जब से उस एरिया में गए हो, आज 5 साल हो गए, वो डीलर धर्मा अचानक धर्माधिकारी बनकर वीआईपी लिस्ट में चला गया है। क्या कारण है इसका? उसके इस लेवल तक पहुंचने का तुम ही कारण हो। सॉरी सर, वो बिजनेस में मेहनत करके आगे बढ़ा था, इसका कारण मैं कैसे हो सकता हूँ सर? शट अप। ऐसे वो कैसे आगे बढ़ा और कौन कौन उसके पीछे है, उससे तुम्हारा क्या संबंध है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। खून हो, रेप हो, रॉबरी हो, कार बाइक चोरियां हो, स्टील काटा हो, ऑयल की चोरी हो, ये सब तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में चल रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। एक एसीपी के एरिया में इतना ज्यादा क्राइम रेट्स बढ़ जाए तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला, या तो वो एसीपी बहुत कमजोर है, या फिर वो भी उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है। इन दोनों में से तुम किस ग्रुप में हो, खुद ही सेलेक्ट करके सावधान हो जाओ, और नहीं तो मुझे सीरियस होकर तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। इतना चाहिए, सब चाहिए। हेलो, नमस्ते भाई। अबे तेरी तो, हम पैसा मांगे तो धंधा ठंडा चल रहा है, बाद में देता हूँ बोल के बेवकूफ बनाता है। ए, तेरी तो इस शहर में हर कोई, हर गली से, हर मोहल्ले से, सब जगह से लोग खुद मुझे पैसा देने के लिए आते हैं, और तू नौटंकी करता है। ज्यादा नौटंकी करेगा तो यही काट के रख दूंगा। निकल। देवराज नामक व्यक्ति जो धर्मराज के साथ काम करता था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। कत्ल करने वाले व्यक्ति ने बड़े ही चालाकी से कत्ल किया और बिना कोई सुराग छोड़े भाग गया। पुलिस अभी भी कातिल को तलाश रही है। क्या रे राजा, लगता है तेरे पे बिल्कुल नई नई जवानी आई है रे। इन लड़कों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। क्या रे, तू तो हमारी तरह बन गया रे। ए, तेरी भी बैटरी डाउन हो गई क्या, दिखा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बैटरी डाउन नहीं हुई। मेरी फ्रेंड का नाम चिरिदर था, वो हमेशा मेरे साथ रहता था, बहुत सुंदर था, हम जिगरी दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों तक वो मुझे नहीं मिला। एक दिन सड़क पे मेरी गाड़ी के सामने नाचते हुए लड़की की तरह आ रहा था, उसे देखकर मैंने श्रीधर कह के पुकारा, श्रीधर के नाम से पुकारा, तो उसने कहा वो श्रीधर नहीं है, भवानी है। और उसी दिन से उसके ख्यालों में खोकर मैं ऐसी ही हरकत करता रहता हूँ। राजा, तू आदमी है कि औरत, क्या है? बीच वाला हूँ मैं। हेलो। हाय डार्लिंग। हाय। मैं कौन हूँ याद नहीं आ रहा? नहीं, हनीमून मनाना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मेरी आंखें ऐश्वर्या जैसी हैं, स्किन कैटरीना जैसी, स्टार बिपाशा की तरह है, मिलोगे ना मुझसे? वो क्या है, जाने दो। तुम्हारे साथ कोई है क्या इस वक्त? मेरे साथ कोई नहीं है।
मिलोगे ना? मिलूंगा, कहाँ? शंकर मड रोड कदम्बा होटल में। आज 10 मिनट इंतजार करो, मैं पहुंच जाऊंगा। अहे ऐश्वर्या कहती है, करीना कहती है, विपाशा कहती है, कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अगली बार लड़कियों से मिलने से पहले पूरे बदन में गजनी की तरह टैटू बनवाऊंगा। आई क्या हुआ रे? कुछ नहीं हुआ, चलो नीचे उतरो, चलो। नाश पीटक, तेरे कर्म फूटेंगे, बर्बाद हो जा तू। हाँ कॉलेज में देर हो जाएगी, मुझे जाना है, तो मुझे बाइक से ड्रॉप कर दोगे ना? मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाय, तुम कहाँ हो? मैं बाहर हूँ इस वक्त। क्या कर रही हो? अपनी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। जल्दी आओ ना। अर्जेंट है क्या? तुम्हें देखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी हंसी मुझे तड़पा रही है। ओके ओके, टेंशन मत लो। तुम्हारे सामने वाले टेबल पर एक ब्लैक वैनिटी बैग रखा है। हाँ है। उसे उठाओ। उठा लिया। उसमें मेरा एक और मोबाइल होगा, देखो तो। ये क्या है? बॉम्ब। बॉम्ब। भागो। मैं मजाक कर रही थी, ये बॉम्ब नहीं, बच्चों के लिए खिलौने हैं। तुम तो बहुत टोटी हो, तुम मेरे साथ खेल क्यों खेल रही हो? वो बैग लेकर तुम सीधे बाहर चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मर जावा। हेलो मम्मी, जिस कलर का दुपट्टा तुम्हें चाहिए उसी कलर का दुपट्टा मिल गया है। अभी तक तो फोन पे खेल खेल रही थी, अभी दिखाता हूँ। तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, मुझसे ही फोन करके खेल खेल रही थी। मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगी? कौन हो तुम, मैं नहीं जानती। चुप चुपचाप नहीं बैठेगी तो गला दबा दूंगा, आवाज तक बाहर नहीं जाएगी। मैं कौन हूँ आज तुझे बताता हूँ, आज मैं तुझे ऐसा ऐसा मजा चखाऊंगा कि डोर लॉक है, चिल्ला के कोई फायदा नहीं। चुप। उतरो, डोर ओपन हो गया, उतरो, आराम से उतरो, जितना भागोगी उतना तड़पोगी। भाग क्यों रही हो, तुम्हें पकड़ना भी पड़ेगा। नहीं, नहीं मुझे कुछ मत करो प्लीज। हैं? हीरोइन सावित्री वैजंती माला, माला सिन्हा निर्मला रेशमा, सब लोग मुझे बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, हमेशा इसी तरह के डायलॉग बोलती रहती है। अगर तू नाजुक है तो मैं भी बहुत नाजुक हूँ, प्यार से बात करता हूँ, नखरे मत दिखा। अरे भाग के क्या होगा, तुम जा भी भागोगी मैं तेरे पीछे आऊंगा। क्यों चिल्ला रही है, कोई फायदा नहीं, मेरी बात मान ले, काम होने के बाद छोड़ दूंगा। हाँ मेरी बात, तुझे हाथ दे छोड़ूंगा मैं। कौन है तू? मैं कौन हूँ अभी बताती हूँ तुझे, पागल। क्या पागल? पागल की बात करने वाला तो सिर्फ धर्मा ही है, तू उसे कैसे जानती है? हाँ अभी बताती हूँ, उसे मारने वाली मैं ही हूँ, सिर्फ मैं।
धर्मा का कत्ल तूने किया था? यस, उसके मरने के बाद उसके मोबाइल से मैंने तेरा नंबर ले लिया और फिर अपने मोबाइल से तुझे फोन किया और मिलने यहाँ बुलाया। यही मेरा प्लान था। उसके फोन से? हाँ, लेकिन वो लड़की बेचारी तेरे साथ फंस गई। अच्छा, तो वो तू थी? बद्री, उसकी जान बड़ी बेरहमी से तुम लोगों ने ली थी ना तुमने? लोपड़ से बचा के मुझे घर तक छोड़ा था और आज आपने भगवान की तरह मेरी इज्जत और जान बचाई। ये किस जन्म का बंधन है पता नहीं। मैं जिंदा हूँ आप लोगों की वजह से। बद्री भैया ने मुझे जो प्यार दिया वो मैं नहीं लौटा सकती हूँ, पर एक बहन का प्यार मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। प्लीज जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए प्लीज।
नहीं सोनी, अगर मेरा बद्री हार्ट अटैक या किसी एक्सीडेंट में मर जाता तो मैं जरूर भूल जाती उसे, लेकिन इन राक्षसों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है मेरे बद्री का। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? बद्री मुझे बहुत चाहता था, मैं उसकी आंखों के उस आक्रोश को कभी नहीं भूल सकती, मैं उसके गुस्से को कभी नहीं भूल सकती। अगर मैं चाहती तो उसकी चिता पर लेटकर सती हो सकती थी, लेकिन इससे मेरे बद्री की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए उसका खून करने वाले दरिंदों को मैं मार डालूंगी, तभी बद्री की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे भी। रुकिए प्लीज, आपके दुख को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, कोई भी बात हो आप मुझसे कह सकती हैं। थैंक यू सो मच। सुनो परशुराम, इधर आओ। यस सर। इस मोबाइल में किस मोबाइल से आखिरी कॉल आई थी ये जल्दी पता करो, किसका नंबर है ये आइडेंटिफाई करके मुझे इमीडिएट इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर सर सर, यहाँ जो कत्ल हुआ है रतन जैन का और चार दिनों पहले जो कत्ल हुआ था धर्मा का, दोनों ही अच्छे दोस्त थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप बता सकते हैं इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। कितने दिन लगेंगे सर? ये तो हमें भी नहीं पता मैडम, ऐसे सवाल क्यों करती हैं आप लोग? एक तो वैसे ही टेंशन है, ऊपर से आप लोग के ऐसे सवाल। सर, ये जो नंबर है वो धर्मा भाई का है। धर्मा? कौन धर्मा? डील धर्मा उर्फ दास धर्मा। दास धर्मा? यस सर। ये सिम ना उसने अपने पासपोर्ट एड्रेस पर दो दिन पहले ली थी सर। ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धर्मा को मरे हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, फिर दो दिन पहले सिम लेकर के भला वो किसी से कैसे बात कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है उसके भूत ने आकर कॉल किया होगा? सुनिए आज की ताजा खबर, यहाँ एक आदमी का कत्ल हुआ है जिसका नाम है रत्ना, जो कि रतन जैन था। इसके कत्ल होने से पहले एक मोबाइल से कॉल आया था, वो कोई और नहीं 4 दिन पहले कत्ल हुए रियल एस्टेट धर्मा डील धर्मा उर्फ दास धर्मा का था। आप लोग जो यह न्यूज देख रहे हैं टीवी पे, उसका सीधा प्रसारण है आपके सामने यहाँ से। यहाँ के लोग कत्ल पे कत्ल होते जा रहे हैं, पहले हुआ धर्मा का, अब हुआ जैन का। ना कोई वायलेंस और ना ही कोई दुश्मनी, कातिल कौन है अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन टीवी वालों को तो लगता है सच से कोई मतलब ही नहीं है, भूत प्रेत की झूठी कहानियां बता रहे हैं। क्या हो गया है, इस देव का डर आखिर कहां चला गया है? ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर के कुत्ते का बच्चा भी हमें देखकर नहीं डरेगा, मैं जीते जी एक लाश जैसा बन गया हूं। ऐसी बातें मत करो भाई, इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं कि हम दोनों को हाथ भी लगाए, मैं अभी भी जिंदा हूं भाई। लोगों के बीच आपका डर ऐसे ही बना रहेगा भाई। ए शेखर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम क्या करोगे कैसे करोगे नहीं जानता, लेकिन इस देव अन्ना का भय बरकरार रहना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा पति? इतने दिन से घर खाली करने को कहा है, अभी यही पड़े हो, कब तक डेरा डाले रहोगे? हे, इन्हें घसीट के घर से बाहर कर दो। हे, तेरी तो इधर बैठ के पूजा कर रहा है, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, जल्दी बाहर आ, बाहर तेरा मेरा भाई पूजा करेगा। कौन है आप लोग? बाहर आ, तेरा बाप कड़ा है। अबे चल बाहर। तेरी तो चल, सुनिए चल, चल सुनिए, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? चल, मुझे छोड़ दीजिए, सुनिए। चल ऊपर उठ, उठ ऊपर। तू क्यों फालतू में मार खा खा कर मरेगा? तुम्हारे जान से ज्यादा कीमत तो इस जमीन की है जिस पे तूने अपना घर बनाया हुआ है। अगर ये जमीन तूने प्यार से नहीं दी तो हम हड़प लेंगे, जितना पैसा मिल रहा है लेकर चुपचाप खाली कर दे, इससे तू भी बच जाएगा और वो भी खुश। क्या साहब, आप पुलिस वाले होकर
हम मजबूरों का साथ नहीं दे रहे हैं, इन गुंडों का साथ दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है साहब? कौन गुंडा? किसको गुंडा बुला रहे? ये सारे लोग हाईटेक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, और अगर मैं इनका साथ दूंगा तो नगद नगद पैसा, नगद पैसा मिलेगा, कार मिलेगी, बंगला मिलेगा, और साथ में एक सुंदर लड़की भी मिलेगी। और तेरा साथ दिया तो क्या मिलेगा मुझे? ए वर्मा, तूने अगर साइन कर दिया तो तुझे कुछ नहीं होगा, घर भी सेफ रहेगा और तेरी इस प्यारी बीबी की जान भी नहीं जाएगी। ए, इसे स्टैंप पेपर और पेन दे। दोनों वर्मा इधर साइन करो, चलो साइन करो, साइन करो, पेन पकड़ो, पकड़ो पेन। मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं, नहीं करूंगा साइन। साइन कर चुपचाप, नहीं तो इसकी गर्दन अलग कर दूंगा। ठीक है, मैं साइन करता हूँ, उसके साथ कुछ मत करो, मैं साइन करता हूँ। दीजिए पेपर कहाँ है? दीजिए मैं साइन करता हूँ। ये ले पेपर, चल साइन कर, साइन कर, जल्दी साइन कर। ये क्या किया तुम लोग? हमें मार दो, ये मंजूर है, लेकिन हम ये घर खाली नहीं करेंगे, साइन भी नहीं करूंगी। सावित्री, 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 दरिंदे, तूने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरी पत्नी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारा मेरी पत्नी? कब से समझाया था, जान बच जाएगी इस बात के लिए धमकियों पे धमकियां दे रहा था। तुम्हें मेरे हाथों ही मरना था, तो कैसे जिंदा रहते तुम लोग? मेरे घर में तुम लोग जबरदस्ती रह रहे थे, समझ आया? ये घर मेरा है, कल के कल यहाँ से अपना सारा सामान लेके दफा हो जाना, ये बिल्डिंग कल के कल गिरा जाएगी, और नहीं निकले ना तो समाधि बना दूंगा। वर्मा और उसकी पत्नी के खून के वारदात में तुम्हारा भी हाथ है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। What is this nonsense? Sorry sir, मेरे बारे में आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। Shut up! डिपार्टमेंट में सारे ऑफिसर तुम्हारी तरह हैं, ऐसा मत सोचना, कई ईमानदार ऑफिसर भी हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक अगर ये सच साबित हो गया तो खूनी के जेल जाने से पहले मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा। माइंड इट, तुम एक एसीपी हो और तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में खून, डकैती, गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वो धर्मा चाहे कुछ भी कर जाए, उसके खिलाफ कभी कोई केस फाइल नहीं होती, और अगर केस फाइल होती है तो उसकी इंक्वायरी नहीं होती। कोई सिंसियर ऑफिसर इंक्वायरी करना चाहता है तो तुम उसे सपोर्ट नहीं करते। मिस्टर राजेंद्र, तुम्हारे अंदर काम करने वाले ऑफिसर्स तुम्हारी हरकतों से तंग आकर अपना ट्रांसफर ले लेते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा संबंध किस किस के साथ है, कहां कहां से तुम्हें मंथली हफ्ता आता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, ये सब मुझे अच्छी तरह पता है। अगर ये सब लोकायुक्त को पता चल गया तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, तुम्हारे न्यूज टीवी चैनल में आएगी और अखबार में छपेगी, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। ओके सर। अब तुम अपने आप को संभालो और क्राइम को कंट्रोल में लाओ, सारे केसेस की इंक्वायरी सिंसियरली करो, अगर नहीं किए तो सस्पेंड हो जाओगे, मैं तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठा दूंगा, अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। ओके सर। Idiot. डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर जैसे हरिश्चंद्र है और जैसे मैं ही अकेला बेईमान हूँ।
और ये ऐसी बातें कर रहा है। अरे इस पोस्ट को पाने के लिए 1 करोड़ खर्चा किया है, अगर ये सब नहीं करूंगा तो कैसे रिकवरी होगी उसकी? क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसे क्यों खड़े हो? किसी मैयत के घर में आए हो क्या? तो कौन है रे मेंटल? क्या कहा? मैं मेंटल हूँ? बदन पर खाकी वर्दी पहनकर गुंडे और क्रिमिनल्स को सलाम करते हो, उनके तलवे चाटते हो, मार दूँ? सरकार ने यह गन दी है ताकि तुम क्रिमिनल्स को खत्म कर सको, लेकिन इसकी मदद से तुम देश के करोड़ों लोगों को लूटते हो। अगर ये ट्रिगर दब गया ना तो पब्लिक टॉयलेट की तरह तुम्हारे दिमाग की सारी गंदगी बाहर आ जाए। पुलिस अधिकारी को धमकी दे रही, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? कार, बंगला, पब, क्लब, शॉपिंग और पार्लर में पर्स में पैसों की गड्डी लेकर घूमने वाली तुम जैसी औरतों की वजह से ये भ्रष्टाचार फैला है। रिश्वत नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारूंगी, ऐसी धमकी देती हूँ ना अपने पति को, कैसा भी आदमी क्यों ना हो। ये बात सुनकर तो पिघल ही जाता है ना? किस औरत का मंगलसूत्र छीना है, किस वेश्या से पैसे लूट कर आया है, ये कभी पूछा है? तुम जैसी औरतों की वजह से ही ऐसे हालात बिगड़ते हैं और तुम जैसी औरतें ही इन्हें रिश्वतखोर बनाती हैं। न्याय का साथ नहीं दिया, आज तुम्हारी बेटी को डिवोर्स मिल गया, फिर भी पैसे पैसे करती रहती हो। पैसों से क्या हासिल कर लिया? पिताजी ज्यादा प्यार देंगे, ये सोचकर पति से दूर पिताजी के घर आ गई। यही सोचकर आई थी ना कि यहाँ तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी, पर क्या हुआ? कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? नहीं ना, जब बाप ही भ्रष्टाचारी हो तो तुम्हें कौन समझाएगा? इसीलिए तो ड्रग एडिक्ट बन गए, अब तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। दिन में शराब पियोगी और बाहर घूमती रहोगी, तब तुम्हारे पति पर सारा डिपार्टमेंट थूकेगा, नहीं तो और क्या होगा? ये सब कुछ जानकर भी हमेशा चुप रहती हो, समझा नहीं सकती थी इसे? इस घर में क्या है? प्यार है, शांति है, खुशी है, हमेशा बस पैसा पैसा पैसा। सही कहा ना? आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण जानते हो तुम? श्राप, मुझ जैसे लोगों का श्राप। बस वह आराध्य, इतना पवित्र नाम होते हुए भी इतना पाप करते हो, इतना पाप। मेरे बद्री की मौत के जिम्मेदार तुम हो, ये मैं जानती हूं। मेरे माता पिता का खून भी तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ है, और इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करने तुम्हारे घर आई थी। यहां आकर ये सब और इन लोगों को देखने के बाद मेरा मन तुम्हें मारने का नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सब के सब अनाथ हो जाएंगे, और एक अनाथ की जिंदगी क्या होती है ये मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया है। दास धर्मा, रतन जैन, इन सबको मैंने ही मारा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें भी मार दूंगी। सही कहा, वो लड़की सही कह रही थी, लोगों का श्राप हमें नहीं छोड़ेगा बेटा। सरकार ने तुझे गाड़ी दी, बंगला दिया और हर सुविधाएं दी, तुझे मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए इंसान को? एक अच्छा इंसान बनकर जीना। और मेरी इच्छा है कि तू अपने इस वर्दी का मान रखना। ए, क्या हो गया रे तेरे को, इस तरह से मेरे सामने मुंह लटका कर क्यों खड़ा है? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई?
आपका साथ देने के कारण मुझ पर कमिश्नर को भी शक होने लगा है। वर्मा और उसकी बीवी के खून में मैं भी शामिल था, इसकी जानकारी है उन्हें। इंटेलिजेंस वालों से उन्हें जानकारी मिली है। अगर ये केस सीरियस हो गया तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा और आपको भी जेल हो जाएगी। उस घर को हड़पने के चक्कर में आप बुरी तरह फंसने वाले हो। डीलर धर्मा और आपके उस जैन को किसने मारा है पता है? मैं आपको बताता हूं, उन दोनों को मारने वाली वर्मा की बेटी भानी है। क्या? भवानी? हमने उस ऑटो ड्राइवर को मारा था, वो ऑटो ड्राइवर बद्री। दोनों प्यार करते थे और इनकी शादी भी होने वाली थी। है? क्या बोल रहा है? तुझसे काम नहीं हो पाया तो ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है? आफ्टर ऑल एक लड़की शेर जैसे धर्मा का इतनी बेरहमी से आखिर कत्ल कैसे कर सकती है? यो रे, मुझे पागल समझता है कि मैं तेरी कहानियों पर विश्वास करूंगा? उसके पावर को जाने बगैर आप ऐसी बातें कर रहे हो। उसका अगला टारगेट आप और शेखर ही है। आप दोनों जरा सावधानी से रहना। वैसे भी मुझे लगता है कि आप लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं चलता हूं। ए, सुन रहे सीपी? मेरे पैसे खाकर मेरे खिलाफ बोलकर चला गया, ठीक है? अभी के अभी तेरा ट्रांसफर मैं करवाता हूँ, किसी गांव जंगल में पड़ा रहेगा, फिर ऐश करना। ए, तेरा अपने शेखर को फोन लगा। भाई, उसको फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? स्विच ऑफ आ रहा है? ए, चल गाड़ी निकाल, उस लड़की को उठाकर लाते हैं। ये छोटे से प्रॉब्लम के लिए आपको उस लड़की के पास जाने की क्या जरूरत है? हम अब भी जाते हैं और उस लड़की को आपके सामने पेश करते हैं। तुम सब क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। उस लड़की को लेकर आओ। तू है तुम सब पर, अपने आप को हट्टा कट्टा मत समझते हो और उस लड़की से मार खाकर यहाँ आ गए। तू है तुम पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई वो कह रही थी वो उस ऑटो ड्राइवर बद्री को किसने मारा? भाई उसने हमको कहाँ कहाँ नहीं मारा, उसने मेरा मुंह फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। उसने हमको ऐसा मारा कि हमारी पूरी हड्डी तोड़ दिया। तुम जैसे डरपोकों और नामर्दों से वो लड़की नहीं डरने वाली। ए, अंडरवर्ल्ड वाला होने के लिए मोटू लंबू और बॉडी बिल्डर बनने से काम नहीं चलता है, दिमाग भी होना जरूरी है। अब इस मैटर को कैसे सुलटाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका आखिरी समय आ गया है। Hey, ready? Jingare. Jinga chika, jinga chika, jingare jingare. जोरा जोरी जोरा जोरी नकर नकारे झिंगा चिकन झिंगा चिकन झिंगारे झिंगारे जोरा जोरी नकर नकारे। ऐ कम से नुमर मेरी सतरा, ऐ इसमें बड़ा ही खतरा। मेरी आंखें ये है शराबी हम, मेरे गाले ये है गुलाबी हम। नाना आशिकों दीवानों पास न आना, ना शौकी न परवानो मुझे न छूना। नाना आशिकों झिंगा रे जोरा जोरी जोरा।
देवगो, सूर्या राजा रेड्डी को इस लड़की से लड़ने को भेजा है। इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट है। ये हथियार बाहर क्यों रखे हैं? अंदर डाल, डाल अंदर, जरूरत नहीं है इनके। भाई मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ रे? वो दिखने में लड़की है लेकिन लड़की से शेर बन जाती है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। मुंह बंद कर, तेरे जैसे के लिए शेर होगी, मेरे लिए बिल्ली। जानता ना मैं कौन हूँ? यहाँ का राजा सूर्या राजा रेड्डी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही पोज दे रही है। जाके खत्म करो उसे। जाके काम खत्म कर। अबे जाना। रेड्डी तू ऐसे हंस क्यों रहा है? उसे खत्म तो कर दिया ना। खत्म कैसे करें? मौत उसकी नहीं, तेरी आएगी। रेड्डी तेरी तो मत, तुझ को मारना ही पड़ेगा। वो लड़की नहीं, शक्ति है, महाशक्ति। पुलिस हो या गुंडा हो या सूर्या राजा रेड्डी सबसे जीत कर ही वापस लौटा है, लेकिन आज ये सूर्या राजा रेड्डी किसी से हार कर वापस लौट रहा है। जिंदगी में पहली बार मेरा खून किसी ने बहाया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी गलती मानकर चुपचाप उससे माफी मांगना, वरना ये जो तुमने साम्राज्य बनाया है ना, इसका सर्वनाश तय है, कोई नहीं बचा सकता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो वो जगह छोड़ दे। ए, कान खोल कर सुन ले, वीरों के वंश का हूं मैं रेड्डी, देवराज हूं। इस देवराज के सामने वो खड़ी भी हो पाएगी? देवा आ गई तेरी मौत। बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। Huh.
हमने मार दिया था भाई। ए! तुम जैसे गुंडे लोग जिंदा रह सकते हो तो फिर मैं क्यों मरूंगी? ओ बी ओ भवानी। ए! उसकी कहानी क्यों सुन रहा है तू? जाकर उसे खत्म कर। ए! मारो इसे। Oh!
मारो मुझे। 65 साल की उम्र हो गई है तेरी, सीनियर सिटीजन की टिकट लेकर बस में चढ़ने की उम्र है तेरी, और इस उम्र में अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता है, पूरे शहर पूरे देश को अपने कब्जे में करना है, मेरा प्यार छीना, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे माँ बाप को मार डाला, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे तो जान से मार देना चाहिए। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। शांत रहना मेरी फितरत में नहीं है। मेरा काम है तुम जैसे का खात्मा करना।